चलिए बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा में लगातार विकास कार्य की झड़ी लगी हुई है। बल्लभगढ़ की नवलू कॉलोनी नाली मुक्त हो गई है और कॉलोनी की सभी गलियां कंक्रीट की बनाई गई हैं। कॉलोनी की अंतिम गली के निर्माण का कार्यक्रम कॉलोनी वासियों ने नारियल फोड़कर शुभारंभ किया है। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई एवं भाजपा नेता प्रचंड शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कॉलोनी वासियों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। मेट्रो स्टेशन बल्लभगढ़ के बराबर नबलू कॉलोनी में बची हुई अंतिम गली को भी कंक्रीट की बनाने का शुभारंभ किया गया है। कॉलोनी के मुख्य लोगों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई की मौजूदगी में गली का नारियल फोड़ कर शुभारंभ किया। इस मौके पर राव पूरन, बेदराम शर्मा, आजाद छिकारा, हरीश शर्मा, विश्वेश्वर गुप्ता, पारस जैन, अशोक शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। शर्मा जी की मेहरबानी हुई है, पहले 6 गली बन चुकी थी, अब 7 गली का लास्ट ही है। तो शर्मा जी का, रूपचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे सारी कॉलोनी को पक्का कराया। क्या क्या फायदा होंगे अब आपके इस कॉलोनी पक्की? लोगों को सुविधा रहेगी, आने जाने में और सफाई रहेगी। फिर तो ये स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत जो अभी, कितने सालों से ये इनकी हालत कभी थी, पुरानी सरकार में कभी कुछ हुआ हो? ये लगभग 5-6 साल से कॉलोनी की खंजा थी, बहुत बड़ी डिमांड थी। अच्छा, इसको बनना बहुत जरूरी था, इसलिए शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आज नवलू कॉलोनी में लास्ट RMC रोड की जो गली बन रही है, ये लास्ट की गली है हमारी, और नवलू कॉलोनी में एक भी गली नहीं बची है। 5 साल के दौरान 6 महीने लेट तो हो गया कोविड की वजह से, तो लास्ट की गली है हमारी, ये भी आज संपूर्ण काम होने जा रहा है। एक क्या खासियत देखी जा रही है, नालियों को बंद किया जाता है और ताकि गंदगी ना फैले, इस तरीके की क्या योजनाएं आपके द्वारा चलाई जा रही है? मोदी मनोहर और मूलचंद जी का एक नारा था, स्वच्छता अभियान, सबका साथ सबका विकास, सफाई अभियान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मैं 17 तारीख